नमस्कार शिक्षक बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज फिर हम इंग्लिश क्लास में इकट्ठा हुए हैं। कई दिन हो गए, आज मैं फिर आपके सामने हूँ। नाइन्थ क्लास के बच्चे हैं सर? सारे नाइन्थ क्लास के बच्चे हैं। आज हम लोग कुछ सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे, है ना? वी आर लर्नर्स, हम सीखने के लिए बैठे हैं। मैं आप लोगों को कुछ थोड़ी सी जो एक्सरसाइजेज हैं आपके टेक्स्ट वर्क बुक से रिलेटेड, उसको हम लोग देखेंगे। जो एक्सरसाइज रहती है हमारे लेसन के पीछे, वो वही होती है जो ग्रामर हमारे कोर्स में रहती है, है ना? तो हम लोग थोड़ा सा उस ग्रामर को और उस एक्सरसाइज को करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं लेसन नंबर 13 एंड 14 आपकी टेक्स्ट बुक और वर्कबुक की जो ग्रामर है उसको। वी शुड स्टार्ट टुडे। देखिएगा कैसे है, कैसे शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चंस रिलेटेड टू वॉइस। आप वॉइस के बारे में कुछ जानते हैं? व्हाट इज द वॉइस? वॉइस जानते हो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके कोर्स में है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कभी पढ़ा है? जानते हो इसको? कर पाओगे? समझते हो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? देखो बेटा, कोई चीज मुश्किल नहीं होती है, मुश्किल वही लगता है जिसको हम करना नहीं चाहते, है ना? इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, हमको थोड़ा सा इसको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी जो आपके 13th और 14th लेसन से जो वॉइस है उसको लेकर हम आए हैं। मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगी और आप लोग भी कुछ कुछ मुझे बताओगे और मुझे भी कुछ सिखाओगे, ठीक है? तो बेटा देखो ध्यान से, जो वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस है आपकी एक्सरसाइज में उसको देख रहे हैं, ठीक है? वॉइस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब हमको इस एक्सरसाइज के थ्रू ये देखना है कि एक्टिव वॉइस हम किसको कहते हैं और पैसिव वॉइस हम किसको कहते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो वॉइस क्या होता है, क्या उसके रूल्स हैं, किन नियमों को देखना पड़ता है, किन रूल्स को फॉलो करके हम किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं और किसी भी पैसिव सेंटेंस को एक्टिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है? दे आर सर्टेन रूल्स टू चेंज द एक्टिव वॉइस इन टू पैसिव वॉइस। देखिए क्या नियम है इसके, रूल्स देखिएगा, ध्यान से देखिए बेटा। इसको लिखने से ज्यादा बेहतर होगा, आप अपने दिमाग में बैठा लो तो आपके लिए उसको चेंज करना और एक्टिव को पैसिव में चेंज करना या पैसिव को एक्टिव में चेंज करना ज्यादा आसान है। देखिए, हम कोई भी सेंटेंस होता है उसमें कुछ टूल्स होते हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कुछ उसके पार्ट्स होते हैं, है ना? तो सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी कार्य को करने वाला, ठीक है? ये मालूम है ना, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो कार्य करता है और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर कार्य किया जाता है। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, मैं सब्जेक्ट हूँ क्योंकि मैं, मेरा वर्ब आपको पढ़ाना है, क्रिया आपको पढ़ाना है, है ना? मैं सब्जेक्ट हूँ ना, और आप मेरा ऑब्जेक्ट हो, यानी कि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो पहले स्थान पर है और ऑब्जेक्ट जो है लास्ट स्थान पर है। जैसे मैं बोलूंगी अगर सेंटेंस को एक्टिव, आई टीच यू, है ना? तो आई जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया और यू मतलब आप लोग ऑब्जेक्ट हो गए और टीच मेरा वर्ब यानी मेरी क्रिया हो गई। ये मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, जिसमें जिसका मतलब हुआ मैं आपको पढ़ाता हूँ। यही हुआ ना बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ ना, एक्टिव सेंटेंस हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर मैं यानी सब्जेक्ट यानी कार्य करने वाला प्रथम स्थान पर था और आप लास्ट में हैं, ठीक है? अब देखिए इसका नियम यह है, जब हम किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। मतलब मैं जो हूँ वो आपकी जगह पर आ जाऊंगी और आप जो है वो मेरी जगह पर चले जाएंगे, समझ गए? जो कार्य कर रहा है वो लास्ट में चला जाएगा और जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है वो प्रथम स्थान पे आ जाएगा। ऐसे सेंटेंस को अपन क्या कहेंगे? ये पहला रूल है किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए, ठीक है? समझ में आया बेटा? बोलो, जवाब दो, हाँ या नहीं में जवाब दो, हमको लगेगा कि तुमको समझ में नहीं आया। बोलो बेटा, समझ में आया ना? किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे, सुनो ध्यान से सुनो,
किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य करने वाला, क्रिया करने वाला, और क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, है ना। तो जो भी वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब इसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आपने पर्सनल प्रोनाउंस भी पढ़े होंगे ना, आई यू वी दे ही शी वगैरह भी पढ़े हैं ना, 7 पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े हैं ना बेटा, प्रोनाउंस पढ़े हैं। जब हम चेंज करते हैं, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, तो ये आई और यू और वी और दे और ही शी जो है पर्सनल प्रोनाउंस साथ, उनकी भी शक्ल चेंज हो जाती है। जैसे आई का मी हो जाता है, यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, और इट का इट ही रहता है। कब? जब सब्जेक्ट का स्थान चेंज करके। बेटा समझ में आया? आया समझ में? आ रहा है? देखो अगला इसका नियम देखिए, पहला नियम समझ में आ गया। दूसरा नियम है वाक्य में दिए गए वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। आपको मालूम है वर्ब क्या होता है? व्हाट इज द वर्ब? डू यू नो व्हाट इज द वर्ब? वर्ब जानते हो? वर्ब क्या होता है बेटा? जो भी क्रिया हम करते हैं, पढ़े हैं नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह पढ़े हो, तो नाउन और प्रोनाउन जो भी क्रिया करते हैं, जो भी उनकी एक्टिविटी होती है, उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब जो है इसकी फॉर्म्स होती हैं, इसके प्रकार होते हैं, है ना। वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं, आपको मालूम है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है जिसको अपन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, इस फॉर्म का प्रयोग जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं थर्ड किया जाता है। अच्छा बताओ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अपन और कहां करते हैं, किस सेंटेंस में करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग? बताओ बेटा जल्दी से बताओ, हाथ ऊंचा करके। शाबाश, ये आवाज मिल रही है आपको? आपको मेरी आवाज मिल रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम कहां और करते हैं? पास में तो करा हमने, उसका रूल है, लेकिन और कहां करते हैं जल्दी से बताओ। कम ऑन, शाबाश, वेरी गुड, हाथ उठाओ बेटा, बताओ और कहां करते हैं? मालूम है ना बच्चों को? नहीं मालूम? नहीं मालूम तो बताओ ना, आवाज नहीं आ रही क्या? मालूम है बेटा आपको? नहीं मालूम? मालूम है? यस मैम। बताइए कहाँ करते हैं? परफेक्ट में। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा, वेरी नाइस। जब हम परफेक्ट टेंस, वेरी गुड बेटा, जब हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तब भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं, और इसी तरह से जब हम पैसिव बनाएंगे तब भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, आ गया। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, कैसे सेंटेंस बनाएंगे, आप सेंटेंस देखोगे, फिर हम उसको कैसे एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे। देखिए एक्टिव वॉइस है, इसमें रानी जो है वो सब्जेक्ट है, सिंग्स उसकी क्रिया है, और सॉन्ग उसका ऑब्जेक्ट है। दिख रहा है बेटा? रानी सिंग्स अ सॉन्ग, रानी सिंग्स अ सॉन्ग। अब हम क्या करेंगे, सॉन्ग क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो सॉन्ग को उठाकर ले गए, और रानी को उठाकर कहां ले गए, सॉन्ग के स्थान पर ले गए क्योंकि सॉन्ग ऑब्जेक्ट था, और सिंग की हमने कौन सी फॉर्म लगाई, थर्ड। शाबाश, वेरी गुड, सिंग की हमने थर्ड फॉर्म लगाई, और क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, सिंग्स है ना, रानी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसमें हमने इसकी क्रिया में एस लगाया है, इससे ये साबित हो रहा है कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट सेंटेंस है और सिंगुलर नंबर है ना, है ना, प्रेजेंट है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसके लिए अ सॉन्ग इज संग बाय रानी, ठीक है, रानी के द्वारा एक गाना गाया गया। ठीक है, एक्टिव से पैसिव में बन गया, आ गया।
हमने yes, क्या मैम वेरी गुड बेटा शाबाश अगला है विक्रमादित्य गेव अ फेयर जजमेंट विक्रमादित्य गेव अ फेयर जजमेंट अब देखिए इस सेंटेंस और इसमें क्या अंतर है पहला वाला प्रेजेंट था दूसरा वाला पास्ट है क्योंकि इसमें गिव की सेकंड फॉर्म गेव लगी है ना बेटा गिव की सेकंड फॉर्म है ना तो अब हम जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें इसके को पास्ट दर्शाने के लिए क्या चेंज लाना पड़ेगा देखो थर्ड फॉर्म तो हमें लगाना ही है पैसिव सेंटेंस है एक्टिव को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे करना ही है लेकिन इसको पास्ट दर्शाने के लिए हम यहाँ वॉज का प्रयोग करेंगे तभी तो पता चलेगा कि पास्ट टेंस है हमने क्या करा फेयर जजमेंट जो कि ऑब्जेक्ट था ये पहले स्थान पर आ गया ना आया अ फेयर जजमेंट यस मैम उसके बाद वॉज क्योंकि ये पास्ट है यहाँ पर गेव था ना गेव था पास्ट इंडेफिनिट था ना तो वॉज और गिव की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि नियम है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमको थर्ड फॉर्म ही लगाना होगी तो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन लगाई और विक्रमादित्य जो है वो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कहाँ गए सब्जेक्ट कम्स कहाँ गए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया ठीक है ऑब्जेक्ट यस मैम शाबाश समझ में आ गया ये पास्ट यस मैम हमने वॉज लगाया ओके यस मैम उसके बाद देखिए आगे जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है हम पैसिव कैसे समझेंगे इसको क्योंकि पैसिव वॉइस क्यों समझोगे इसको क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले स्थान पर है उसके बाद वॉज है हेल्प्ड बाय मी थर्ड फॉर्म लगी है वर्ब की और बाय लगा है और मी आई का मी है यहाँ पर अब हमको क्या जब हम इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट अपने स्थान पर आ जाएगा मतलब पहले स्थान पर आ जाएगा एक्टिव के लिए और मी का क्या हो गया प्रोनाउन मी का प्रोनाउन क्या हो जाएगा बोलो बेटा मी का क्या हो जाएगा आई ठीक है मी का आई हो जाएगा ना जब एक्टिव जब पैसिव से अपन एक्टिव में चेंज करेंगे तो थर्ड फॉर्म जो है वो भी नहीं आएगी सब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा है ना और वॉज भी हट जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी वर्ब सेकंड फॉर्म लगाएंगे बोलो बेटा कुछ डिफिकल्टी है आपको आवाज नहीं आ रही क्या अरे मैडम जब हम पैसिव को एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे थर्ड फॉर्म हटा देंगे वॉज हटा देंगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे अपने स्थान पर आ जाएगा और ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर आ जाएगा देखिए जैसे उसके एग्जांपल में देखिए आई सब्जेक्ट हेल्प्ड हेल्प की सेकंड फॉर्म और हर ऑब्जेक्ट आई हेल्प्ड हर मैंने उसकी मदद करी और पैसिव में था मेरे द्वारा उसकी मदद की गई ठीक है आया समझ अगला सेंटेंस देखिए फूड वॉज कुक्ड बाय हर ये भी पास्ट का ही है फूड वॉज कुक्ड बाय हर और जब हमने इसका एक्टिव बनाया तो क्या करा सबसे पहले थर्ड फॉर्म मतलब कुक्ड और कुक दोनों फॉर्म एक ही जैसा स्पेलिंग है एक ही जैसा प्रोनंसिएशन है लेकिन हम समझते हैं कि क्योंकि पैसिव है तो ये थर्ड फॉर्म है और क्योंकि यहाँ पर एक्टिव है तो ये सेकंड फॉर्म है वॉज हमने और कुक्ड की सेकंड फॉर्म पैसिव होना ये वाली सेकंड फॉर्म है और वो वाली थर्ड फॉर्म है पैसिव में थर्ड फॉर्म है और एक्टिव में सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है शी कुक्ड फूड शी सब्जेक्ट फूड उसका और कुक्ड उसकी ठीक है अगर यहाँ पर हम इस तरह सेंटेंस बनाए फूड इज कुक्ड बाय हर देखो ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा लिखो कॉपी में लिखो बेटा लिखो इसको फूड इज कुक्ड बाय हर लिखिए एक बार पीछे नहीं मुड़ो बेटा लिखो कॉपी में लिखो इसको अपन चेंज करेंगे अभी फूड इज कुक्ड बाय हर लिखो कम ऑन कहाँ जा रहे हो बेटा लिखो फूड इज कुक्ड बाय हर
ये जब हमने इसको फूड इज कुक बाय हर कर दी, क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया ना, प्रेजेंट हुआ ना? बोलो, प्रेजेंट हुआ ना? प्रेजेंट मैम, एक्सपेक्टिव बनाओ जल्दी से, फूड इज कुक बाय हर का एक्टिव बनाओ। कैसे बनाओगी जल्दी से बोलो, कम ऑन, शाबाश, जल्दी बोलो, फूड इज कुक बाय हर का एक्टिव सेंटेंस बनाओ। डोंट टेक मच टाइम बेटा, शी कुक फूड नहीं होगा, फूड इज कुक्ड बाय हर, ध्यान दो थोड़ा सा गौर से देखो, फूड बाय हर, यहाँ पर वॉज है इसलिए कुक्ड है, यहाँ पर इज है तो क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर शी, ध्यान, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब के साथ एस या एस भूल गए, याद ही के भूल गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस जोड़ना है, हमने बनाया था प्रेजेंट सेंटेंस, ये पास्ट है, हमने तुम्हें टेस्ट के लिए प्रेजेंट दिया था, तो क्या चाहिए बेटा? शी थर्ड पर्सन है ना, शी, मैं और तुम शी के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन हुआ ना वो, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन और वो थर्ड पर्सन, उसके लिए हम कह रहे हैं शी, तो उसने खाना पका, वह खाना पकाती है, कैसे बनाओगे प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस? कम ऑन बताओ बेटा, बहुत शुरू की चीज है ये, तो एस जुड़ेगा ना, शी कुक्स फूड, राखी लर्न्स द लेसन, टीचर टीचेस इंग्लिश, आया कि नहीं, आया कि नहीं? He opens the book. थर्ड पर्सन है लड़का, थर्ड पर्सन ही, वह किताब खोलता है, तो जहां भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, यानी ही शी इट या किसी का नाम, वहां पर हम प्रेजेंट इनडेफिनिट सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, कहां लगाएंगे? सिंगुलर नंबर में, और जहां पर नाउन प्लूरल होता है उसमें लगाते हैं एस, जहां पर सिंगुलर होता है सब्जेक्ट वहां पर हम थर्ड पर्सन, जहां पर सिंगुलर नंबर होता है वहां पर वर्ब में एस लगाते हैं, ठीक है? कभी भी प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा एस, ठीक है, याद रहेगा? चलो आगे, में समझ में आ गया? यस मैम। चलो शाबाश, आगे बढ़े ना? यस मैम। ओके बेटा, अब देखो ये आपकी एक्सरसाइज है जो कि आपकी किताब में दी हुई है, इसके पहले ये वर्ड्स देख लो, ये इन वर्ड्स के नीचे मैंने हिंदी में मीनिंग भी लिखे हैं, ठीक है, इसको समझ लो, फिर मैं इसको तुम्हें ट्रांसलेट करूंगी और अपने मन से तुम भरोगे कि क्या आना चाहिए, फिर उसके बाद बता, नीचे आंसर्स भी हैं। ऑस्पिशियस का मतलब होता है मंगल, अच्छा, खुशी से भरा हुआ। उसके बाद बॉन्ड मतलब होता है बंधन, डायनेस्टी मतलब राजवंश, हर मतलब उसकी, किसी लड़की के लिए, एक्सलेंसी मतलब उत्कृष्टता, बहुत अच्छा, और हेजिटेशन संकोच, ठीक है। अब आप देखिए ये कैसे, इसको मैं पढ़ूंगी, इसमें क्या आना चाहिए, आप पहले हिंदी बताएंगे क्या है, उसका इंग्लिश वर्ड इसमें भरेंगे, है ना? यू मे रिक्वेस्ट, खालिस्तान है, यू मे रिक्वेस्ट विदाउट ब्लैंक बिकॉज टुडे अ वेरी ब्लैंक ओकेजन फॉर हर, हर ब्रदर इज कमिंग फॉर रक्षाबंधन, इट इज अ ब्लैंक ऑफ लव बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर, ही इज फ्रॉम द परमार, ब्लैंक, बताओ। बताओ क्या आना चाहिए?
मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। क्या वर्ड्स बोलूं बेटा? मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। यू मे रिक्वेस्ट, ध्यान दिया हुआ है? पहले देखो ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका मतलब मैंने बताया आपको, ऑस्पिशियस बॉन्ड, डायनेस्टी, हर एक्सलेंसी और हेजिटेशन। हर एक्सलेंसी है और उसके बाद है हेजिटेशन। ये पांच वर्ड्स हैं, ऑस्पिशियस बॉन्ड, डायनेस्टी, हर एक्सलेंसी और हेजिटेशन। ठीक है, अब इसमें हमको इन शब्दों को भरना है। ये यू मे रिक्वेस्ट हर एक्सलेंसी, मतलब यहाँ पर किसी राजकुमारी या राजरानी की बात हो रही है। हम लोगों ने देखा है ना, हमेशा पढ़ा भी है कि जब हम किसी राजा रानी वगैरह के बारे में हर हिज एक्सलेंसी, हर एक्सलेंसी इस तरह बात करते हैं, तो यहाँ पर पहले में क्या आएगा? यू मे रिक्वेस्ट, क्या आना चाहिए यहाँ पर? हर एक्सीलेंसी विदाउट एनी हेजिटेशन, मतलब होता है संकोच। क्या आना चाहिए यहाँ पर? क्या आना चाहिए बेटा? विदाउट एनी हेजिटेशन का मतलब क्या होता है? संकोच होता है ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? Any hesitation, because today a very auspicious occasion for her. Her brother is coming, Raksha Bandhan. It is a bond of love between the brother and the sister. He is from the Parmar dynasty. Parmar, Rajvansh the na Parmar. ठीक है, सही। देखो इसका आंसर अपन देखते हैं। देखिए answers. You may request Her Excellency without any hesitation because today a very auspicious occasion for her. Her brother is coming for Raksha Bandhan. It is of love between a brother and a sister. He is from the Parmar dynasty. आपकी किताब का textbook की exercise है ना? चलिए आगे बढ़े बेटा। मैम देखो, तुम लोगों ने प्रोनाउंस पढ़े, प्रोनाउन पढ़े हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है। हाँ मैम, नाउन प्रोनाउन पढ़े हो ना? पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको अभी बताए थे ना, आई यू वी दे ही शी बताए थे, अभी भी बताए थे। अब इसी में ही अगर हम सेल्फ लगा लेते हैं तो उसको अपन कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ सेल्फ का प्रयोग, इसमें सेंटेंस में हमको सेल्फ का यूज करना है। देखिए ये ब्लैंक्स है, थोड़ा अपने पास टाइम कम है, जल्दी फटाफट ध्यान से देखो, मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ और गौर से। देखिए सेंटेंस देखिए बेटा, इसको हमको सेल्फ और वर्ब से भरना है। ठीक है, हैव यू नोट मी ऑफन, देखो ब्रैकेट में लुक लिखा हुआ है, एट ब्लैंक दिया हुआ है, इन द मिरर। इसमें हमें वर्ब भरना है पहले वाले में और दूसरे में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है सेल्फ के साथ। अब मीरा जो है लड़की है, तो लड़की के लिए किसके साथ सेल्फ लगाना है ध्यान रखना, थोड़ा याद रखना। उसके बाद मॉन्टी फेल डाउन एंड हर्ट, ब्रैकेट में वर्ब है, इसकी फॉर्म लगाना है, और ऑन द स्टेयर्स। ठीक है, इज रामो टॉकिंग टू, आई गेस he is, talk bracket में verb है, और to के बाद हमें reflexive pronoun भरना है। उसके बाद they are, ये verb है, और program इसमें हमको reflexive pronoun भरना है। we are blank, help जो है verb है, और उसके बाद इसमें हमें reflexive pronoun भरना है। reflexive pronoun का मतलब होता है जिसमें हम self लगाकर pronoun का use करेंगे। देखिए अब आगे क्या sentence, देखिए बेटा भर लीजिए जल्दी से इसको। हैव यू नोटिस मीरा ऑफन लुक, लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड, लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड, एट हरसेल्फ इन द मिरर। हरसेल्फ हो गया, मीरा लड़की है,
लड़की के लिए हम हर का यूज करते हैं, लड़के के लिए हिम का यूज करते हैं, ठीक है, और प्लूरल के लिए देम का या दे का यूज करते हैं, अपने लिए फर्स्ट पर्सन के लिए आई का यूज करते हैं, सेकंड पर्सन के लिए यू का यूज करते हैं, जब सेल्फ लगाते हैं तो योर सेल्फ हो जाता है ना, पता है ना ये बात। देखिए सेंटेंस भी कैसे हुआ, Have you noticed Mira often looked at herself in the mirror? Second में देखो, Monty fell down and hurt himself on the stairs. Third में, who is Ramo talking to? I guess he is talking to himself. They are organizing, अब organize की fourth form, present participle, ing जुड़ के, क्योंकि यहाँ पर R है तो हमें ing लगाना होगा। देखो, R के साथ ये क्योंकि कंटिन्यूअस सेंटेंस है, कंटिन्यूअस सेंटेंस में हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना होती है, आईएनजी वाली फॉर्म लगाना होती है। दे आर ऑर्गेनाइजिंग, हाँ बेटा एनी प्रॉब्लम, कुछ कुछ पूछना है बेटा बोलो। को यहाँ पर देखो आर है ना, आर है, आर से मैम लुक्स जी बेटा, मैम पहले लुक्स, पहला वाला देखो मैम लुक्स, हैव यू नोटिस मीरा ऑफल लुक्स, लुक्स होना चाहिए, यस मैम बेटा, लुक भी हो सकता है लुक्स भी हो सकता है, लुक्स होगा मैम। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, अगर लुक्स होगा तो ठीक है, वैसे लुक भी अपन पास में भी इसको कर सकते हैं। Have you noticed? देखो ऊपर है ना, Have you noticed? ऊपर देखिए बेटा, ऊपर देखिए, ऊपर Have you noticed है ना, Notice देखिए ऊपर वाला, आप looks भी यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर looked भी ठीक है क्योंकि noticed है ऊपर, क्या आपने कभी ये, आपने ये notice किया था, किया past आ रहा है, कि देखा करती थी या देखती थी एट हर सेल्फ इन द मिरर, तो लुक भी हो सकता है, लुक्स भी हो सकता है और लुक भी हो सकता है, लुक गलत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आप सही बोल रहे हैं, लुक्स भी हो सकता है लेकिन लुक भी ठीक है, ठीक है, बताइए ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है मैम, दोनों हो सकते हैं, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, प्रेजेंट में बोलेंगे तो लुक्स कहेंगे, शाबाश वेरी गुड, और अगर हम पास्ट में कह रहे हैं कि पहले, मतलब आज हमसे पूछ रहे हैं और मीरा को उसने कल देखा था करते हुए, है ना, कल मीरा अपने घर मेहमान आई थी और मीरा बार बार जाके आईने में देख रही थी, है ना, तो आज वो अपन से बात कर रहा है, हमसे कह रहा है कि तुमने क्या ये नोटिस किया था कि मीरा आईने में बार बार देखती थी अपने आप को, है ना, आ गया समझ में, है ना बेटा, आप भी बेटू सही हो, आप गलत नहीं हो, लेकिन ये भी सेंटेंस ठीक है, ओके आगे देखो, बाकी देखा समझ में आया। अच्छा अभी अपन बात कर रहे थे फोर्थ में, जिसमें दे आर ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम देमसेल्फ, हमने ऊपर में देखो जहां भी हमने आई गेस ही इज टॉकिंग, इसमें भी हमने आईएनजी लगाया और इसमें भी आईएनजी लगाया, इससे ऊपर जो दो थे उसमें हमने आईएनजी नहीं लगाया था, ठीक है, क्योंकि इसमें इज और आर है, ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिया सेंटेंस बना ली, लिख लिए आप लोगों ने ये, चलो ठीक है आगे बढ़ते बेटा, और एक्सरसाइजेस है वो कर ले जल्दी से, एक्सरसाइज नंबर 4 पे आइए, यहां पर देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हमको सेंटेंस लिख लो, पहले वर्ड्स उतार लो जल्दी से, सी Eat, sit, lie, show, feed, seat, lay. See, eat, sit, lie, show, feed, seat, lay. लिखा? मैम जी तीसरा वाला समझ में आया। कौन सा वाला बेटा? अभी जो पहले अपन ने पढ़ाया, पहले जो किया है, इससे पहले वाला? तीसरा वाला किसी एक्सरसाइज मैम, थर्ड थर्ड एक्सरसाइज जो हमने इससे पहले पढ़ाया, तुम ये का थर्ड, हाँ देखो सी
eat, sit, S-I-T, sit. The lie, L-I-E, lie. उसके बाद है show, S-H-O-W, show. Feed, F-E-E-D, feed. S-E-A-T, seat. L-A-Y, lay. आया आप? Yes, ma'am. अच्छा, अब हम इसको sentence में बनाएंगे. आपको इसके सबके meaning मालूम है? Meaning मालूम है बेटा सबका? See मतलब देखना, show मतलब दिखाना, eat मतलब खाना, feed मतलब खिलाना, sit मतलब बैठना, seat मतलब seat जिसमें बैठते हैं, lie मतलब बताइए. You are telling lie. Lie का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना, झूठ बोलने का कौआ काटे, झूठ बोलना होता है ना? ठीक है? बड़े आगे देखो सेंटेंस में बना सेंटेंस देखो फटाफट जल्दी बेटा टाइम खत्म हो रहा है जल्दी देखो आई विल सी यू इन द पार्क नाइट सी का प्रयोग सेंटेंस में आई विल सी यू इन द पार्टी टू नाइट आई वुड लाइक टू शो यू माई ड्रेस दैट आई बॉट यस्टरडे फ्रॉम अ सेल I am surely going to eat the dessert made by you. She must feed the cat before leaving. Sit there before somebody else occupied the chair. I think this seat was kept vacant for you. Anuradha was telling lie. The hen, hen kya hota hai? Hen murghi hoti hai na? The hen may lay eggs 3 days. जल्दी कर लो बेटा टाइम कम है जल्दी जल्दी कर लो आगे बढ़ना है थोड़ा सा और बचा हुआ है एक और छोटा सा मैंने लिया हुआ है तो मैं जल्दी करूं मेरे पास तो बहुत सारा है अभी चलो आगे बढ़ते हैं अरे ये एक चीज जल्दी से ये ध्यान से सुन लो बेटा ये तुम्हारा बहुत खास है इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो जल्दी देखो ये मस्ट शुड और हैव टू तीन मॉडल्स मैं लेकर आई हूँ आप लोग के कोर्स में है और इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो आता है ना फिल अप द ब्लैंक्स इसके लिए आता है ना देखो मस्ट का यूज होता है जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं इस मॉडल का यूज होता है जब किसी चीज को जोर देकर इम्पोज किया जाता है ऐसा होना ही चाहिए तब मस्ट का यूज होता है शुड का यूज टू गिव एडवाइस जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं तब शुड का यूज करते हैं और हैव टू का यूज होता है जब कोई चीज इम्पोज भी की जाती है मतलब आपको अपने मन से भी लगेगा हमें ऐसा होना चाहिए तब हम हैव टू का यूज करते हैं मस्ट का मतलब जब कोई चीज कोई भी काम करने के लिए इम्पोज किया जाए आप पे को जरूरी हो ऐसा होना ही है तब हम मस्ट का यूज करेंगे शुड का यूज करते हैं एडवाइस के लिए और हैव टू का मतलब ऐसा होना ही है तो के लिए मस्ट भी जहां पर इम्पोज है होना ही चाहिए और हैव टू का भी उसी प्रकार से है लेकिन शुड का यूज होता है जब हमें कोई सलाह देता है देखो इसके एग्जाम्पल देखो टाइम जल्दी से खत्म हो रहा है एग्जाम्पल देखो तीनों मॉडल्स इंपॉर्टेंट है आपको याद होना चाहिए इनमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए देखो सेंटेंस में आगे देखो यू ब्लैंक फिनिश दिस वर्क आई थिंक यू गो नाउ वी इनवाइट विनीत इन अवर पार्टी एज ही हेल्प्ड अस अ लॉट यू ब्लैंक एक्सरसाइज टू लिव अ हेल्दी लाइफ आई ब्लैंक वर्क हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स अंदाज से देखो सोचो कि कौन सा यू फिनिश दिस वर्क आंसर्स भी देख लो जल्दी ये देखो यहाँ पर इम्पोज हो रहा है होना ही है यू मस्ट फिनिश दिस वर्क अदरवाइज आई विल पनिश यू तुम्हें ऐसा करना ही है खत्म करना ही है इस काम को नहीं तो तुम्हें पनिश होगी ये तुम्हारे ऊपर जरूरी हो रहा है इम्पोज किया जा रहा है तो यहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे और आई थिंक यू शुड गो नाउ सिंपली कह दिया मेरी ये सलाह है कि तुम्हें जाना चाहिए
तो यहाँ पर हम शुड का यूज करेंगे। जहां पर जिस काम के लिए जरूरी है वहां पर ऐसा होना ही है, तब मस्ट। जहां पर आपकी मर्जी पे है, आपको सलाह दी जा रही है, तब हम शुड का यूज करेंगे। वी हैव टू इन्वाइट विनीत इन अवर पार्टी एज ही हेल्प्ड अस अ लॉट। अब विनीत को पार्टी में इन्वाइट करना है क्योंकि उसने मदद की थी, तो ये भी हमारे ऊपर एक एक्सटर्नल इम्पोजमेंट है कि हमें उसको बुलाना ही है क्योंकि उसने हमारी मदद की थी। तो यहाँ पर अपन हैव टू का यूज करेंगे। फिर अगला सेंटेंस मैम सी का वाक्य होगा आई सी और एन। आई सी मैम जी बेटा बोलिए। आई सी एन ऑरेंज। हाँ बेटा चल जाएगा, चल जाएगा। आई सी एन ऑरेंज भी चल जाएगा। देखता हूँ, सी का मतलब होता है देखता हूँ या देखती हूँ। तो जिस चीज को भी देखने के लिए कहना है आई सी एन ऑरेंज, आई सी एन एलिफेंट, आई अगर पास करना है तो आई सॉ हो गया। बेटा आप जल्दी जल्दी चला दो आगे। ये वाला देखो, ये मॉडल्स बेटा ध्यान से देख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मस्ट शुड और हैव टू का और एक्सरसाइज और प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यहां से लेके 9 से लेके 12 तक चलता है मॉडल्स। और देख लो फटाफट मैं दिखा रही हूँ, टाइम खत्म हो रहा है, मजबूरी है। 6 एक्सरसाइज देखो क्या है ये। अरे यार समझाना थी, डिग्रीज वाला था बेटा, डिग्रीज। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एडजेक्टिव की डिग्रीज है ये। अभी मुझे तुम्हें पढ़ाना थी लेकिन टाइम इज ओवर नाउ। कुछ समझ में आया? अच्छा लगा बेटा। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगी। देखो ये मेरे पास एक्सरसाइज और 7th भी है, इसमें भी मुझे आपको कुछ बताना था। इसमें शायद मैंने ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स मैंने एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपके कोर्स में अपोजिट वर्ड्स को एंटोनिम्स, एंटोनिम्स कहते हैं अपोजिट वर्ड्स को, या अपोजिट वर्ड्स भी आपको आना चाहिए। बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स ऐसे हैं जिसको अन लगाकर, डिस लगाकर, इज लगाकर हम अपोजिट बना सकते हैं। देखो जैसे फेयर अनफेयर, जस्ट अनजस्ट, नियर का कला, वर्दी का अनवर्दी, डे का नाइट, ठीक है, व्हाइट का ब्लैक, गर्ल का बॉय, ठीक है। एंटोनिम बच गए, एंटोनिम खत्म, बंद कर दिया क्या? चलो ठीक है बेटा, ये वाले और सुनो बेटा। 20 वर्ड्स ऐसे लाना जिसमें इर और डिस लगाकर हम इसके एंटोनिम्स बना सके, उसके अपोजिट। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट होता है, अपोजिट वर्ड्स बना सके, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। खूब अच्छे से पढ़ो, ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ो, अच्छे अच्छे नंबर लेकर आओ और हम लोग का सर ऊंचा करो। जय हिंद।